हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अगर आप अक्सर व्रत रखते हैं और व्रत में कोई डीप फ्राई स्नैक नहीं खाना चाहते हैं तो साबूदाना थालीपीठ बना के खा सकते हैं। साबूदाना थालीपीठ एक हल्का नाश्ता है और उपवास करने वालों के लिए यह एक उत्तम पर्याय है। तो चलिए, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। साबूदाना चिल्ला या साबूदाना थालीपीठ बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक कप मीडियम साइज का साबूदाना। अब इस साबूदाने को पर्याप्त पानी में अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे। अच्छी तरह से धोने के बाद में साबूदाने में से पूरा पानी निकाल लें और अब साबूदाने में थोड़ा सा पानी और डालें और इसे आप भिगोकर रख दें। और साबूदाने में ना इतना ही पानी डालें जिससे कि साबूदाना पानी में डूब जाए, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल न करें। और अब साबूदाने को 8 से 9 घंटे के लिए भिगो दें। इस बात का ध्यान रखें, साबूदाने को आप जितना ज़्यादा भिगो के रखेंगे ये उतना ही ज़्यादा फूलेगा और सॉफ्ट बनेगा। लगभग 10 घंटे के बाद में आप देख सकते हैं साबूदाना एकदम अच्छी तरह से फूल गया है। इसे उंगली के ऊपर मसल कर चेक करिए, यह अच्छी तरह से फूल चुका है। और इस साबूदाने का एक एक दाना एकदम बिखरा हुआ है, आप देख सकते हैं साबूदाना बिल्कुल भी चिपका नहीं है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है और उसमें मैं एक मीडियम साइज के उबले आलू को ग्रेट करके डाल दूंगी। यहाँ पर आप कच्चे आलू का इस्तेमाल न करें, आलू को उबाल कर यूज करें। और आलू गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह मिश्रण चिपचिपा हो जाएगा। अब एक कप भीगा हुआ साबूदाना इसमें ऐड कर दें और इसी के साथ में 3 चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर ऐड करें। मूंगफली को एक पैन में कुरकुरा होने तक भून लें और ठंडा होने के बाद में इस तरह इसका पाउडर बना लें। और अब चिल्ला में या थालीपीठ में अच्छी सी बाइंडिंग आने के लिए यहाँ पर मैंने 3 चम्मच राजगीरा आटे का इस्तेमाल किया है। और अब ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ करी पत्ता और साथ में बारीक कटा हुआ अदरक हम आधा चम्मच ऐड कर लेंगे और साथ में एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर लें। मिर्ची को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप और आधा चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे। और अब चिल्ला में हल्की सी खटास लाने के लिए आधा नींबू का रस निचोड़ के डाल देंगे। और जैसा कि हम ये रेसिपी व्रत के लिए बना रहे हैं, यहाँ पर मैंने आधा चम्मच सेंधा नमक लिया है। सभी चीजों को कंबाइन करें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। और अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए गूंद कर आटा जैसा बनाकर तैयार कर लें। दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब साबूदाना और आलू दोनों ही बहुत चिपचिपे होते हैं तो हम थालीपीठ या चिल्ला को एक अलग तरीके से बनाएंगे। एक कटोरी में पानी लें और उसमें एक सूती कपड़ा डुबो दें और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के अच्छे से निचोड़ लें। मेरे पास में कॉटन का रुमाल था तो मैंने वही लिया है, आप कोई भी सूती कपड़ा ले सकते हैं। अब इस कपड़े को अच्छी तरह से फैला लें या एक जगह पे स्प्रेड करके रख लें। और अब साबूदाने के आटे में से थोड़ा सा आटा लें और इसकी गोल लोई बना लें। आप चाहें तो प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे यह तरीका आसान लगता है, इसलिए मैं आपके साथ में यह तरीका शेयर कर रही हूँ। अब हाथों को हल्का सा गीला कर लें और लोई को हल्के हाथों से दबाते हुए फैलाते जाएं। यह थालीपीठ बनाने का एक पारंपरिक तरीका है, आप इस तरह से थालीपीठ बनाकर जरूर एक बार ट्राई करें। हल्के हाथों से दबाते हुए यहाँ पर मैंने आटे को एक रोटी का आकार दे दिया है। और अब ना इस तरह से चिल्ला के बीच में 2 से 3 छोटे छोटे होल बना लें। और अब चिल्ला को कपड़े के साथ में उठाएं और इसे हल्के हाथ से पैन पर डाल दें। यह चिल्ला या थालीपीठ न ही ज्यादा मोटा हो और न ही ज्यादा पतला हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और अब आंच को मध्यम रखते हुए चिल्ला को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें। गर्म पैन पर थोड़ा घी डालकर चारों ओर लगा दीजिए और घी की जगह पर आप मूंगफली के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस थालीपीठ के छेद में थोड़ा सा घी डालें और थालीपीठ को चारों तरफ से थोड़ा सा घी डाल के सेक लें। इस होल में से घी डालते हैं ना तो नीचे की सतह भी अच्छी तरह से सेक जाती है। जब थालीपीठ के नीचे की सतह अच्छी तरह से सिक जाए और गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे पलट दीजिए और दोनों ओर से अच्छी तरह से सेक लें और इसे प्लेट में निकाल लें। आप देख सकते हैं थालीपीठ के ऊपर बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरह से नीचे की सतह को भी गोल्डन ब्राउन होने तक घी लगाकर अच्छी तरह से सेक लें। तो बस इसी प्रक्रिया के मुताबिक सभी थालीपीठ को बनाकर तैयार कर लें। और अब इस गर्मा गर्म थालीपीठ को दही, हरे धनिये की चटनी या आलू की सब्जी के साथ में सर्व करें। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार ज़रूर इस तरह से साबूदाने के थालीपीठ बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।